हेलो एवरीवन, दिस इज जोहान और आप देख रहे हैं जेड पे लिव्स। आज की हमारी वीडियो होने वाली है कार के फ्लोर को डीप क्लीन करने के बारे में। इस वीडियो के दो पार्ट होने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में मैं आपको वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से फ्लोर को क्लीन करने के बारे में बताने वाला हूं और सेकंड पार्ट में हम बिना वैक्यूम क्लीनर की हेल्प से फ्लोर को क्लीन करने के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की जो वीडियो है वो फर्स्ट पार्ट होने वाला है, जिसमें मैं अपनी 2009 मॉडल शेवरलेट स्पार्क को क्लीन करने वाला हूँ। आप भी ऐसे ही अपनी किसी भी कार के फ्लोर की क्लीनिंग कर सकते हैं, तो चलो शुरू करते हैं। कार के फ्लोर को क्लीन करने के लिए सबसे पहले हमें कार की सीट्स को और ऊपर वाले मैटिंग को निकालना बहुत ही ज़रूरी होता है, ताकि हम फ्लोर को क्लीन करने के लिए अच्छे से स्पेस मिल सके। सीट्स को निकालने के लिए हमें उसके चार बोल्ट्स को अनस्क्रू करना पड़ेगा, जो कि दो आगे की तरफ लगे होते हैं और दो पीछे की तरफ लगे होते हैं। इसी तरह हमें कार की बाकी सीट्स भी निकाल लेना है। और सीट्स के बाद बारी आती है कार के सेंटर कंसोल को खोलने की। सेंटर कंसोल को खोलने के लिए हमें इसमें जो आफ्टर मार्केट आर्मरेस्ट फिट किया है, मैंने उसे खोल रहा हूँ। और फिर इसके जो सेंटर कंसोल के अंदर जो कप होल्डर्स लगे हुए हैं गियर के अराउंड, उसको खोल दिया है। और मेन सेंटर कंसोल को निकालने के लिए दो बोल्ट यहाँ, दो स्क्रू यहाँ पर आगे की तरफ और एक स्क्रू यहाँ पीछे की तरफ लगा होता है, जिसको कि मैंने निकाल लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैं इसको ढीला कर चुका हूँ। इन सब चीज़ों को निकालने के बाद इनके लॉक्स को अनलॉक करके और इसे कुछ इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब इन सारे पार्ट्स को हमें एक तरफ रख देना है और इन सब को निकालने के बाद बारी आती है ये मैटिंग की। तो मेरी कार में मैटिंग जो है वो प्लास्टिक पैनल्स के पीछे टक इन करी हुई है और बहुत सी जगहों पे इसे स्क्रू की हेल्प से भी टाइट कर रखा है। तो हमें सबसे पहले स्क्रू को निकालना है और फिर मैटिंग को पैनल्स से अनटक करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैटिंग को खोलने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मिट्टी का जो है वो कीचड़ बन गया है। ये मेरी गलती की वजह से हुआ, क्योंकि मैंने जो गाड़ी की ट्रंक है उसके अंदर पानी से धोया था, जिसकी वजह से थोड़ा सा पानी इस साइड भी आ गया, जिस वजह से मुझे इस गाड़ी की दोनों मैटिंग्स को निकाल के पूरी तरह से क्लीन करना पड़ेगा। फर्स्ट मैटिंग को निकालने के बाद हमें उसे कार से बाहर कहीं रख देना है, और अगर आपकी कार में सेकंड मैटिंग लगी है तो उसे रहने दें। मेरी कार में मैंने पानी डाल दिया था किसी वजह से, जिससे कि मैटिंग गीली हो गई है और मैं इसे भी निकालने वाला हूँ। इसे निकालने का भी सेम ही प्रोसेस है, जैसे हमने फर्स्ट मैटिंग को निकालना था वैसे ही इसे भी निकालना है। दोनों मैटिंग को निकालने के बाद मेरी गाड़ी का मेटल फ्लोर दिख रहा है, जो कि कुछ ऐसा है। वैसे देखा जाए तो ये कार बहुत अच्छी कंडीशन में है। बिलीव मी, मैंने इससे बुरे फ्लोर्स देखे हैं जिनमें सब कुछ सड़ चुका होता है और गाड़ी के व्हील आर्चेस और कोनों में सड़न की वजह से छेद हो चुके होते हैं, पर हमारे केस में ऐसा नहीं है। फ्लोर का मेटल काफ़ी अच्छा निकला है। तो चलो इस पर जो डस्ट और छोटे मोटे कंकर पत्थर पड़े हैं इसे क्लीन करते हैं और इसे बना देते हैं सुपर क्लीन फ्लोर।